सूबे के तेज तरार आईपीएस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और वर्तमान में एसपी शामली अजयपाल शर्मा को उनके बेहतरीन कामों के चलते आज डीजीपी के प्रशंसा सेंक्शन यानी कि कमेंडेशन डिस्क के सम्मानित किया गया है। तो वही ये सम्मान उन्हें डीजीपी आपको बता दें प्रशांत कुमार ने मेरठ में दिया। हाल ही में अजयपाल ने 3 बदमाशों को भी ढेर किया था और वहीं उन्होंने अपने आगे की रणनीति का खुलासा भी करते हुए कहा कि बाकी बचे बदमाशों की सूची भी तैयार कर ली गई है, जल्द ही शामली को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं इन सारे मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने, आपको बता दें एसपी शामली से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, देखिए। शामली जनपद में एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर करने में जहां डॉक्टर अजयपाल को महारत हासिल हो रही है, वहीं आज 15 अगस्त के दिन उनको डीजीपी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज डॉक्टर अजयपाल जी हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे किस तरीके से उनने इस चीजों को हासिल किया और कामयाबी प्राप्त की। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपने एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए, किन चुनौतियों को पूरा करते हुए इन पे आगे बढ़े? देखिए शामली जनपद में जो हमने पहले स्ट्रेटजी बनाई उसमें जो चार्ट आउट किया गया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किस प्रकार से हैं, इसमें कुछ गैंग्स बना करके जिस तरह से मुकीम गैंग, फुरकान गैंग, विपुल खूनी का गैंग और अन्य कुछ ऐसे गैंग से जो ट्रेस आउट किए गए जो लोगों को आतंकित करके उनसे रंगदारी वसूलना, पैसे वसूलने का काम कर रहे थे, तो उसी पे स्ट्रेटजी बना करके उनके जो भी शरणदाता थे, जो भी उनको उनके लिए इसका सोर्सेज का काम करते थे, उनको सूचना प्रोवाइड करने का काम करते थे, तो उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। उनकी जो पूरा नेक्सस उसको ब्रेक किया गया, उसके बाद में जितने भी क्रिमिनल्स थे इस तरह के, जितने भी इनामी थे 50,000 के, 15,000 के, 12,000 के, 5,000 के, कई लोग का अरेस्ट किए गए। इसमें हमारे करीबन 8 एनकाउंटर्स अभी तक हुए हैं जिसमें से 3 लोगों को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया है और 5 लोग ऐसे हैं जिनके काफी गंभीर रूप से घायल हुए जिसमें पुलिस। सर जिस तरीके से आपने 5-6 एनकाउंटर किए, 3 बदमाश भी ढेर हुए, आने वाले टाइम में अभी भी और भी बदमाश भाग गया, तो उनके लिए क्या प्लानिंग आपकी रहेगी जिससे आप मुक्त हो सके? हमने हर थाने में जो सूचियां बनवाई हुई है, टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूचियां बनाई हुई है, उसमें से जो क्रिमिनल्स अभी बाहर हैं और एक्टिव हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो अपना रूटीन का पेशा अपना लिया है जिन्होंने, जो कि खेतीबाड़ी वगैरह कर रहे हैं। काफी क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो आप इसके बाद में पुलिस की कार्रवाइयों के देख करके उसको अपने आप सरेंडर हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक ही 24 घंटे के अंदर 5 ऐसे क्रिमिनल्स थे जो सरेंडर हो गए, इनामी बदमाश थे। और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अभी बाहर हैं जिनकी एक्टिविटीज को वॉच किया जा रहा है और जो अभी अनट्रेसेबल है उनको लगातार ट्रेस करने के लिए प्रयासरत है। डेफिनेटली हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी हम उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाएंगे। सर जिस तरीके से प्रदेश में और भी पुलिस वाले हैं या आईपीएस हैं, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आप काम करें उनसे आप से इंस्पायर होकर कितना काम कर पाएंगे? देखिए हर किसी की वर्किंग स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, हम अपनी स्ट्रेटजी पर लगातार काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि अभी तक हमें इसमें कामयाबी भी लगातार मिलती आ रही है, तो हम आगे जो भी हमारी कमियां हैं उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं कि और भी कामयाबियां आगे हमारी टीम को प्राप्त। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।